वेलकम करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का अपने चैनल बेयोनिक टॉक्स पर। यहां पर देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है एक स्पोर्ट्स चैनल को लेकर। जी हां, दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल को लेकर काफ़ी दिनों से आप लोगों को बार बार से जो है इस चैनल को लेकर टेस्टिंग देखने को मिल रही है। और आज लगभग 3 से 4 बार जो है कल शाम भी वही इसकी एक टेस्टिंग 5 बजे के आसपास हो रही थी, जिसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट्स देखने को मिले थे। लेकिन जब तक मैंने अपने टीवी स्क्रीन पर जाकर चेक किया तो भाई वो टेस्टिंग खत्म हो चुकी थी। वहां पर फिर से DD न्यूज़ HD देखने को मिल रहा था। लेकिन मैं बता देता हूँ इस टेस्टिंग में एक कुछ अलग सा देखने को मिला है। यहां पर DD स्पोर्ट्स का जो HD का लोगो है कुछ अलग सा डिफरेंट सा देखने को मिला है। ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। जी हां, टेस्टिंग लगातार होती जा रही है, लगभग 3 से 4 बार जो इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है और बहुत जल्द आप लोगों को ये चैनल देखने को मिल जाएगा डीडी प्लस पर MPG4 सेट टॉप बॉक्स में। जी हां, मैं बात कर रहा हूँ दूरदर्शन के DD स्पोर्ट्स HD की। दूरदर्शन का DD स्पोर्ट्स HD का लोगो हम जो उम्मीद लगा रहे थे कि हमें कुछ इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, जो पहले से अवेलेबल था कुछ व्हाइट कलर में ही भाई HD लिखा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कल टेस्टिंग हो रही थी भाई, बहुत से लोगों ने इसकी इमेज भी ली है, तो मुझे एक इमेज मेरे व्यूवर से जो मिली है यहाँ पर, अभी आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं जो DD स्पोर्ट्स HD का लोगो है कुछ इस तरह का यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ, DD स्पोर्ट्स तो जो आप लोगों को व्हाइट कलर में या सिल्वर कलर में जो देखने को मिल रहा है वो तो है ही, लेकिन जो HD लिखा है वो रेड कलर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब एक कुछ नया लुक यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है DD स्पोर्ट्स HD के लोगो को। जी हाँ, और देखते हैं ये जब तक प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो पाता है तब तक नहीं पता चल पाएगा कि किस लोगो में जो है आप लोगों को दूरदर्शन का जो स्पोर्ट्स हाई डेफिनेशन का चैनल है वो देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों को जो है जो क्रिकेट मैच है हाई डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं, बड़ा मजा आएगा भाई हाई डेफिनेशन में इन क्रिकेट मैचों को देखने में। सो देखते हैं भाई कब तक प्रॉपरली लॉन्च होता है। टेस्टिंग तो की जा चुकी है, 3 से 4 बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी इस चैनल को कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं कि टेक्निकल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, अभी तक प्रॉपरली इसको लॉन्च नहीं किया जा सका है। देखते हैं भाई कब तक लॉन्च हो पाता है। धन्यवाद।